Hello everyone, welcome back to my channel EdSecRed International. This is your visa advisor. आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक अपडेट रिलेटेड टू न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से आई है एक बैड न्यूज. ये बैड न्यूज क्या है, इस बैड न्यूज का किन किन कैंडिडेट्स के ऊपर क्या क्या असर होने के लिए जा रहा है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ. तो अगर आप इस अपडेट को जानना चाहते हैं डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. और अगर आप ऐसे न्यूजीलैंड से रिलेटेड और अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन टू द वीडियो. यस, मैं बात कर रही थी न्यूजीलैंड से आए अपडेट के रिलेटेड. सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये अपडेट किस दिन आया है. ये अपडेट आया है ऑन 3 मई 2023 और ये अपडेट रिलेटेड है फीस इंक्रीज के बारे में. असल में ये जो फीस इंक्रीमेंट है ये होने वाली है फॉर सम वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स और आई कैन से VACs. अब ये फीस इंक्रीमेंट होने का कारण क्या है, इसका कारण है राइजिंग ऑफ कॉस्ट इन न्यूजीलैंड. इसकी फुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको VAC वेबसाइट्स को चेकआउट करना पड़ेगा बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन. अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनके लिए फीस इंक्रीज हो रही है. एंड द कंट्रीज आर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, नेपाल एंड भूटान, पाकिस्तान, पापुआ न्यू जूनिया, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, सोलोमन आइलैंड्स, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेनुएटू एंड वियतनाम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. तो अगर आप फ्यूचर में ऐसे न्यूजीलैंड से रिलेटेड और अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.